हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम जे 2022 एंड ये प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल से। सो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है 25 मीटर पर सेकेंड के साथ एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। सो आफ्टर टी सेकेंड्स इट्स इंक्लाइनेशन बिकम जीरो विद द हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ से हमें इस पॉइंट को नोट करना है कि टी सेकेंड्स के बाद जो इंक्लाइनेशन है प्रोजेक्टाइल का वो हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो है। हमने उसे थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ उसे प्रोजेक्ट किया है, बट आफ्टर टी सेकेंड्स इट्स इंक्लाइनेशन बिकम जीरो विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स दैट इट इज़ ऑब्वियसली एट द हाइएस्ट पॉइंट, बिकॉज हाइएस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइनेशन है वो जीरो हो जाता है। सो इट मीन्स दैट ये जो टी सेकेंड्स हमें दे के रखे हैं उस समय पे हमारा प्रोजेक्टाइल हाइएस्ट पॉइंट पर रहेगा, और हाइएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ सिंपली टाइम ऑफ एसेंट एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड, और उसका जो फॉर्मूला है वो है टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। और इसे हम नोट कर लेंगे, ये हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देके रखा है कि आफ्टर दीज टी सेकेंड्स द इंक्लाइनेशन बिकम जीरो। सो इंक्लाइनेशन बिकम जीरो इट मीन्स दैट प्रोजेक्टाइल इज लाइक एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइनेशन जीरो हो जाता है। सो हाईएस्ट तक जाने के लिए इतना टाइम लगता है, इट मीन्स जो टी का वैल्यू है वो है यू साइन थीटा अपॉन जी देयर। साथ में क्वेश्चन में देके रखा है कि इफ कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेंज, कैपिटल आर इस प्रोजेक्टाइल की रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर रेंज के लिए भी एक्सप्रेशन लिखना है, बिकॉज हमारी जो ऑप्शंस हैं उसमें आर और टी का इस्तेमाल किया गया है। हमने टी के लिए लिख दिया है रिलेशन टाइम ऑफ एसेंट के लिए, जो रेंज का फॉर्मूला रहता है दैट इज सिंपली यू कॉस थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज के लिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा लगता है, मैक्सिमम हाइट तक टाइम ऑफ एसेंट लगता है, तो यहाँ पूरा टाइम मीन्स टू टाइम्स स्मॉल टी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। सो यहाँ से हम आर और टी के लिए दो इक्वेशंस निकाल चुके हैं, हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो लेंगे, दैट इज़ टी बाय आर इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर बेसिकली थीटा कुछ एक्सप्रेशन में क्रिएट करना है। सो यू साइन थीटा बाय जी और आर का जो वैल्यू था वो था यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टू टी। सो स्टूडेंट्स, यू से यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपको साइन थीटा दिख रहा होगा, सो इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज टेन थीटा। ये 2t वहाँ मल्टीप्लाई होगा, g मल्टीप्लाई होगा, g का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, सो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 2t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सो यहाँ से हम 10 थीटा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 10 थीटा इज इक्वल टू 20t स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। सो देन फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 20t स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। लेकिन हमारे जो आंसर्स हैं उसमें जो 10 थीटा वाला ऑप्शन है उसमें 4t स्क्वायर अपॉन आर है, इट मीन्स हमें एक्सप्रेशन को 10 की टर्म्स में नहीं लिखना है, हमें एक्सप्रेशन को लिखना है कॉट की टर्म। सो वी कैन राइट इट आल्सो इन द टर्म्स ऑफ कॉट, 10 इनवर्स की जगह हम कॉट इनवर्स लिखेंगे, बट हमें अपना वैल्यूज जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा, इट इज़ लाइक आर अपॉन 20t स्क्वायर। सो थीटा का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर दैट इज कॉट इनवर्स आर बाय 20t स्क्वायर, सो जो कि है ऑप्शन डी देयर। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट हमें नोट करना था वो ये था कि आफ्टर टी सेकेंड्स इंक्लाइनेशन बिकम जीरो, इट मींस दैट दैट प्रोजेक्टाइल इज नाउ एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस इज द टाइम फॉर द हाईएस्ट पॉइंट, देन वी सिंपली राइट फॉर द रेंज एंड देन वी टेक द रेशियो, डू सम मैथमेटिक्स देयर एंड गेट द आंसर फॉर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट, सो दैट इज अवर आंसर। थैंक यू।